इंदौर के चिड़ियाघर में एक अजगर का जटिल ऑपरेशन किया गया। अजगर को लोगों ने मारने का प्रयास किया था, लेकिन पशु प्रेमियों द्वारा इसकी सूचना जू मैनेजमेंट को समय रहते दी गई, जिससे सांप का जीवन बचा लिया गया। इंदौर में बारिश के दौरान सांप निकलने की घटनाएं आम हैं। अक्सर लोग सांप देख उसे मारने के लिए दौड़ते हैं, जबकि मामला ठीक इसके उलट होता है। दरअसल सांप अपनी रक्षा के लिए हमलावर होता है, लेकिन लोग खतरा समझकर उसे मारने दौड़ते हैं। इंदौर के चिड़ियाघर में भी एक ऐसा ही मामला आया। यहां पहुंचे एक अजगर को लोगों ने मारने का प्रयास किया था। घायल अजगर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। ऐसे में जू प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव को इसकी खबर लगी, तो उन्होंने तुरंत ऑपरेशन के फैसला लिया और उसकी जान बचाई। कोबरा था, स्पेक्टेकल कोबरा था, जिसका मुंह में काफी कुछ चोटें थी। जो कुछ व्यक्ति हमारे पास लेके आए थे, उसको मुंह को एग्जामिन करने के बाद पता चला कि उसके मुंह के ऊपर काफ़ी चोटें थी, काफ़ी इंजोर्ड था वो, और उसकी जा बोन में भी फ्रैक्चर था। अभी हम लोगों ने उसको ऑब्जर्वेशन में रखा है और एक छोटा सा माइनूट सर्जरी हम लोगों ने की है, जो भी सेप्टिसीमिया उसके मुंह में अंदर डेवलप हो चुका था, क्योंकि फील्ड में था ये और काफ़ी परेशान था दर्द से भी, और सेप्टिसीमिया डेवलप होने से भी इन्फेक्शन उसमें धीरे धीरे लगातार बढ़ते जा रहा था। उसको हम लोग ने फर्स्ट स्टेज में अभी एक पहला ऑपरेशन किया है, और जो भी इसकी जो डेड टिश्यू वगैरह और ये थे, उस सब हम लोगों ने उसको रिमूव किया है और एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग करके कुछ इंजेक्शन वगैरह दिए हैं उसको। अभी नेक्स्ट फेज में हम उसका और एक ऑपरेशन होगा। अभी ये हीलिंग होने के बाद फिर प्लान करेंगे कि जो उसका जो मैंडिबुलर जो बोन उसमें डैमेज हुआ है, उसको किस तरह से रिपेयर करें और क्या आगे का एक्शन लिया जाए। इस अजगर की जान समय रहते बच गई, पर हर बार ऐसा हो ये जरूरी नहीं, इसलिए सांप दिखने पर उसे मारने की बजाय अगर निगम को सूचना दे, ताकि उसे सुरक्षित तरीके से पकड़कर जंगल में छोड़ा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज़।